मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर सेकंड लेक्चर इन क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। सो इन लास्ट क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इन दिस क्लास वी विल सी व्हाट इज इंट्रूसिव igneous rock. So sometimes molten magma cools down deep inside the earth crust such rocks are called intrusive igneous rock. So class, intrusive igneous rock तब बनते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि extrusive igneous rock तब बनते हैं जब molten पिघला हुआ लावा जो है जब बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, तो वो जो है जो रॉक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव, मीन्स वो बाहर आ गया, मीन्स अर्थ क्रस्ट से वो बाहर आ गया, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव। लेकिन ये जो रॉक बना हुआ है ये अभी तक पृथ्वी के सतह पे नहीं आया है, मतलब वो अभी भी अंदर है, ठीक है। तो इसी तरह से जो उसमें हमने देखा था लावा और इसमें हम देखेंगे मैग्मा, तो मैग्मा जो मॉल्टन जो पिघला हुआ पत्थर है मैग्मा, वो जब बाहर नहीं आया और ज्वालामुखी उद्गार के समय ही वो कहीं अंदर ही जाकर के ठंडा हो गया, और उस तरह से जो रॉक बनी वहां पे उस रॉक को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो समटाइम्स मॉल्टन मैग्मा पुल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सच रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। सो क्लास, मुझे आई होप आप सबको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेडिमेंट्स। सो देखिए, व्हाट इज सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स होते क्या है। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जो सॉइल है या फिर जो भी हमारा क्रस्ट है या फिर हमारा जो पृथ्वी है, इस पे हम जो भी चीजें देखते हैं वो सारा का सारा किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। तो सेडिमेंट्स मीन्स ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, रॉक्स के। जब रॉक्स आपस में लड़ते हैं और टूट करके वो छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, तो उस कण को ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द सेडिमेंट्स। So class, when large rock break down into small fragments or parts or tiny parts, that is small parts, these smaller particles are called sediments.
So let's see what is sedimentary rock. So what is sedimentary rock? When broken, sediments transported and deposited by wind, water, etc. And hardened to form So class, what is sedimentary rock? When broken, sediments are transported and deposited by wind, water, etc. This loses sediments and compressed and hardened to form layer of rocks. These rocks are called sedimentary rock. तो sedimentary rock है क्या? इससे पहले हमने देखा what is sediment. तो sediments में हमने देखा कि जब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है आपस में टकरा करके जब छोटे छोटे parts में बिखर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं. वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जब वो किसी नेचुरल फिनोमिनन से लाइक विंड, वाटर, इनसे जब वो बह करके किसी अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहां पे जब वो बहुत दिनों तक डिपोजिटेड हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर और टाइम काम करता है और उसके बाद वहां पे जो जमी हुई जो छोटे छोटे कण थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक. सो प्लस लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. अगर हम इसका एग्जाम्पल दे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉक साइकिल. सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमने इस टॉपिक्स में हमने देखा इग्नियस रॉक को देखा, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने देखा. अगर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक कब बनता है? जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक जो है ब्रेक करने के बाद वो एक जगह पे जमा हो जाए और उसके बाद जो प्रेशर उस पर लगता है, उसके बाद जो रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी तरह से ही क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक बनता है. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. सो इस तरह से जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो उसको बनने के लिए बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर प्लस टाइम की जरूरत होती है और ये बाद में एक बहुत ही हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके एग्जांपल हम दे सकते हैं लाइमस्टोन, क्ले, मार्बल एक्सेट्रा. सो प्लस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉक साइकिल.
सो क्लास रॉक साइकिल, सो लेट्स सी व्हाट इज रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक्चुअली है क्या? वेल, वन टाइप ऑफ रॉक इज चेंज टू अदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जैसे कि हमने अभी लास्ट में ही देखा सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है। सो जितने भी रॉक्स हैं हमारे अर्थ में या फिर हमारे प्लैनेट में, तो इसमें जो भी एक टाइप का रॉक है, फॉर एग्जांपल अगर इग्नियस रॉक है तो वो ब्रेक करेगा, उसके बाद जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं ये भी ब्रेक करेंगे और वो कहीं ना कहीं किसी निश्चित प्लेस पे जाकर के वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे और उसके बाद अंडर ग्रेटर हीट एंड प्रेशर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये ही जो साइकिल है, मीन्स एक रॉक से टूट करके वो दूसरा रॉक बनेगा, ठीक है। तो यही जो साइकिल है आप रोटेशन में कहेंगे या फिर जो साइकिल ऑफ मेकिंग रॉक्स इज कॉल्ड रॉक साइकिल। सो ये इसका डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, दैट व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक इज चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रॉक साइकिल। सो आवर लास्ट टॉपिक इज मिनरल्स। So let's see what is minerals. So minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। So minerals क्या है? Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। So minerals क्या है? अगर हम simple में कहें minerals क्या है, तो पृथ्वी पे सतह पे means जो crust है उस पर हमें जो भी चीजें मिलती हैं, like rock है या फिर natural gas है या फिर जो भी चीजें हैं, petroleum है, coal है, iron है, gold है, silver है, ये जो भी चीजें हमें मिलते हैं इन सब को ही हम क्या कहते हैं, minerals कहते हैं। और ये जो minerals हैं इसके दो properties होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इन सब में अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसमें अलग केमिकल होगा और अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, अगर हम कोल की बात करें तो इसका अलग होगा, नेचुरल गैस की बात करेंगे तो अलग होगा, पेट्रोलियम की कहेंगे तो अलग होगा। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मिनरल्स, मीन्स हमें पृथ्वी पे जो भी चीजें मिलती हैं वो सारे के सारे मिनरल्स हैं, चाहे वो रॉक हो या फिर पेट्रोलियम हो या फिर गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर नेचुरल गैस हो, ये सारी की सारी चीजें जो है हम इसको क्या कहते हैं, मिनरल्स। सो वंस अगेन, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल कोल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, natural gas, etc. So class, our chapter ends here and all students are asked to complete their notebook and complete your exercise and write down the notes written on the blackboard. Thank you.